सेमेस्टर सिक्स के एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम आपके बीच में कोर 14 यानी पेपर 14 लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत पढ़ना आप लोग का लीनियर अलजेब्रा है ना। यह विनोबा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है ना एक सिलेबस जारी किया था कि सेमेस्टर सिक्स में है ना केवल लीनियर अलजेब्रा रिड्यूस कर दिया गया था, रिड्यूस करके एक नया सिलेबस जारी किया गया था लीनियर अलजेब्रा में। तो आज देखिए लीनियर अलजेब्रा में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ेंगे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मेरा हेल्पफुल हो। देखिए आज लीनियर अलजेब्रा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो लीनियर अलजेब्रा का 3 पार्ट यहाँ पर है। पहला पार्ट आपका था वेक्टर स्पेस, दूसरा पार्ट था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा पार्ट है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस इस तरह का, तो जो अभी जो लिए हैं है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब क्या है, वेक्टर स्पेस से लिया गया है, वेक्टर स्पेस से लिया गया 3 क्वेश्चन मात्र है ना। पहला नंबर स्टेट एंड प्रूफ द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर सबसेट डब्ल्यू एफ टू बी ए सब स्पेस ऑफ बी एफ, यानी नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन पढ़े होंगे। ये डब्ल्यू जो था सबसेट था बी का, तो प्रूफ कीजिए कि डब्ल्यू क्या है सब स्पेस होगा किसका, बी का। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, के वैल्यू क्या होगा, जो वेक्टर अल्फा जो है कैन बी एक्सप्रेस करता है लीनियर कम्बिनेशन, स्पेशल लीनियर कम्बिनेशन और वेक्टर किसका अल्फा वन एंड अल्फा टू का। इसमें कोई भी आप स्केलर मान लीजिएगा है ना और लिखिएगा कि अल्फा बराबर है ना ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू करके दोनों तरफ इक्वेट करके के का मान निकाल लीजिएगा, इजी निकल जाएगा। दूसरा का ए नंबर में है कि सो डैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस, दो सब स्पेस जो है ना लिया गया डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू और दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया जाए, यानी डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू जो होगा, डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू जो क्या होगा है ना, ये आपका सब स्पेस प्रूफ करना है इसके अंतर्गत। मैंने सो डैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ए ये सब स्पेस ऑफ वी, इस तरह बोले चाहे डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू बोले एक ही बात हुआ। फाइंड द बेसिस फॉर आर क्यू है ना विच कॉन्टेन द वेक्टर्स 1, 2, 3 एंड 2, 1, 0, ये घट रहा है तो आप पढ़े होंगे स्टैंडर्ड बेसिस, तो स्टैंडर्ड 3/3 है, 3/3 का स्टैंडर्ड बेसिस ले लीजिएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। अब इसमें क्या हुआ कि 3 बोला है, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक ठो यह हो गया, 3 ठो हो गया आपका है ना, तो 3 को मिला करके हम लोग बेसिस फाइंड कर देंगे और देख देंगे कि लीनियर डिपेंडेंट है स्पेन है तो क्या होगा बेसिस होगा। फिर डिफाइंड क्यूसेंट स्पेस एंड सो डैट डब्ल्यू वन इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर वी एफ एंड यू वी बिलोंग टू वी, देन यू प्लस डब्ल्यू बराबर वी प्लस डब्ल्यू इफ एंड वन इफ यू माइनस वी बिलोंग टू डब्ल्यू है ना। देखेगा क्वेश्चन में है ना यू प्लस डब्ल्यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू हो तो हम लिख सकते कि तभी पॉसिबल होगा जब यू माइनस वी बिलोंग टू डब्ल्यू हो। और फिर इसी का बी नंबर लिखे हैं कि डायमेंशन ऑफ वी बाई डब्ल्यू इसका डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू या डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन डब्ल्यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू है ना। ये भी एक संभावना व्यक्त की है ना कि वेक्टर स्पेस से 3 क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एन नंबर में कि इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेस ओवर द सम फील्ड एफ देन ए फंक्शन टी सच दैट यू टेंड्स टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या प्रूफ करना है, यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ टी कितना बोलता है कि टी मैपिंग करता है ट्रांसफॉर्म करता है किस पे ए यू प्लस बी वी को है ना बराबर कितना हो ए टी यू प्लस बी टी वी है ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी
फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ एंड यू भी बिलोंग टू यू, इसी को प्रूव करना है ना। यानी कि हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं सब, ये सब क्या दे रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी होता है, इसलिए आप लोग अगर मान लिया कि वेक्टर स्पेस थोड़ा डॉट होता है तो न पढ़ते, तो कम से कम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर पढ़ें, है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इनर प्रोडक्ट स्पेस ये तो खैर कंपलसरी पढ़ लें, क्योंकि तीन पिलर पे यहाँ खड़ा था लीनियर अलजेब्रा। तो एक मान लीजिए किसी का नहीं पढ़ पाते, दो का पढ़ना ही पड़ेगा आपका, है ना। न तो एक दूसरे से कंबाइंड है, देखना सबको पड़ेगा आपको। लेकिन इससे भी आपको एग्जाम में तीन क्वेश्चन आता है, तो कैसे आता है, तो इस तरह के पहला क्वेश्चन फोर का ए और फोर का बी में है कि शो दैट द फंक्शन टी सच दैट आर स्क्वायर टेंड्स टू आर क्यूब, उसके मतलब टू डायमेंशन से थ्री तक, है ना। यहाँ टू था तो कितना लिया गया, थ्री से लिया एक्स वन माइनस एक्स टू, टू एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस एक्स वन इज ए क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई ऑल्सो फाइंड द एसोसिएटेड मैट्रिक्स, पहले प्रूव करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर है तो एक क्वेश्चन और इसमें जोड़ दिए हम, उसका एसोसिएट मैट्रिक्स निकालिए, बहुत सिंपल होता है, निकाल सकते हैं। फाइव का ए प्रूव डेट रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका टी सच डेट यू एफ टेंड टू कितना बी एफ इज क्या हुआ सब स्पेस ऑफ बी एफ। यह और यह दोनों सेम क्वेश्चन है, मैंने सेम प्रूफ होता है, इसमें क्या लेना है रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या देना नल स्पेस, तो नल ऑफ स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इतना इज क्या सब स्पेस ऑफ यू एफ। क्वेश्चन सेम है, प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हल्का सा है ना दोनों में। बी नंबर है कि इफ टी सच दैट यू टेंड टू बी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी इज वन वन इफ एंड वन इफ एन टी बराबर जीरो, यूनिटी ऑफ टी कितना हुआ जीरो सेट देगा आपको, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इफ टी सच दैट यू एफ टेंड टू बी एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू देन रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, यानी आ सकता है इस तरह से प्रूफ डेट करने के लिए भी, है ना, कि प्रूफ डेट रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ यू, इस तरह प्रूफ डेट आ सकता है एग्जाम में, है ना। सिक्स का ए हो गया, है ना। यह सब था आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अब देखिए सिक्स का बी इफ टी सच दैट आर स्क्वायर टेंड्स टू आर क्यू इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइनेड बाय टी एक्स वन एक्स टू स्क्वायर टू, इस तरह डिफाइन हुआ है कि एक्स वन माइनस एक्स टू हो, एक्स टू माइनस एक्स वन हो, माइनस एक्स वन हो। फाइंड ए बेसिस एंड डायमेंशन फॉर आर टी एंड एन टी, है ना, रैंक ऑफ टी और यूनिटी ऑफ टी। अब वेरीफाई करना है कि रैंक ऑफ टी प्लस यूनिटी ऑफ टी कितना बराबर टू होगा, टू मतलब क्या डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर के बराबर होगा। वेरीफाई कर लीजिएगा ये दोनों का मान मालूम है, इसके आर स्क्वायर का टू होता ही है, दोनों को देख लीजिए जोड़ने से हमको टू आता कि नहीं आता है। सेवन ए नंबर कितना इफ अल्फा एंड बीटा आर वेक्टर्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस बी एफ देन प्रूफ करना है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, या नॉर्म आ गया आपका एक तरह से ना, तो यहाँ से जो नॉर्म आ गया यहाँ पे हम लोग सेवन से क्या हो गया इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया, क्या हो गया इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेजन कर नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म बीटा, नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू बीटा लेजन कर नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, सिंपल कंडीशन दिए प्रूफ करने के लिए। और बी नंबर जो है सो डैट अल्फा इंटू बीटा जो है इसके जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो कंजुगेट दिया रहेगा, कंजुगेट दिया रियर रहेगा, यहाँ पर कंजुगेट दिया हुआ नहीं रहेगा, क्लियर। तो सबके पावर में लाइनिंग दिया हुआ यानी क्या कंजुगेट दिया हुआ है, तो कंजुगेट दिया हुआ तो क्या हुआ रियल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स होगा, क्या हुआ कॉम्प्लेक्स। तो अल्फा बराबर एक्स वन एक्स टू, बीटा बराबर वाई वन वाई टू, बिलोंग टू कितना वी टू सी, सी मतलब क्या कॉम्प्लेक्स डिफाइंड एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड वी टू सी, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस का तीनों कंडीशन जो है तीनों कंडीशन यह सेटिस्फाइड कर रहा है। ये छोटा छोटा नंबर कभी आता है थोड़ा लॉन्ग बनेगा क्योंकि हम कंजुगेट वाला दिया हुआ है ना, यहाँ कॉम्प्लेक्स मानेंगे कि अल्फा बीटा जो लिए है वो क्या कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स से कंजुगेट पे केवल अंतर पड़ता है थोड़ा सा, इससे मान लीजिए कि एक्स वाई के कंजुगेट है ना, इसे मान लेते हैं कि
अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट तो क्या हुआ, बीटा इंटू अल्फा हो गया। इस तरह से फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब देखिएगा एट नंबर लिए हैं, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एन ऑर्थोगोनल ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। याद करते हैं कि लीनियर अलजेब्रा का हम इसका शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव भी आप लोग बता चुके हैं विथ आंसर, और उसको यूज करना है प्लस इसमें से आपको जो है क्वेश्चन इतना कर लेते हैं, है ना। तो कम से कम इसी फॉर्म में आपको एग्ज़ाम में आता है, और इस फॉर्म में जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप इजली बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन बनाने का सिस्टम सब सेम रहेगा आपका। एट का वन में क्या बोला है कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एन ऑर्थोगोनल ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, एक थ्योरम टाइप का है। बी नंबर के न्यूमेरिकल लिया गया कि ई प्रूव डैट कि टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा इन ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, रियल बोला है, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर बीटा इंटू अल्फा होगा, रियल है तो ऑर्थोगोनल। इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लिया है। नाइन का है स्टेट एंड प्रूफ ग्राम स्मिथ प्रोसेस, एक थ्योरम है जो इसका स्टेटमेंट अब प्रूव भी करना है आपको, जितना फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा उतना उसका ऑर्थोगोनल, है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस स्पेस देगा आपको। इसी पर न्यूमेरिकल भी है, है ना, यूजिंग ग्राम स्मिथ प्रोसेस कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ वी थ्री आर विथ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन ऑन गिवन बेसिस, इतना ये देखिए ध्यान रखिएगा, ऑर्थोगोनल बल्कि नहीं ऑर्थो नॉर्मल हो गए ना, ऑर्थो नॉर्मल बताया गया होगा बेसिस, ये थ्योरम है। उसी पर एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में डिजिट चेंज होगा लेकिन न्यूमेरिकल तो आता ही आता है ना, थ्योरम नहीं आया तो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं आता थ्योरम। इसका हम प्रूफ और इसका वर्किंग रूल बता चुके हैं, उसके माध्यम से उसको बना सकते हैं आप, है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन टेन नंबर, ए नंबर लिए हैं स्टेट एंड प्रूफ बेसल इनइक्वालिटी, है ना, और इसका बी नंबर लिए हैं फाइंड एंड ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ आर क्यूब गिवन एक्स वन दिया हुआ है वन बाई थ्री टू बाई थ्री और टू बाई थ्री, है ना। तो इस तरह का जो था, है ना, इसके से निकालना निकालना एक अथवाम दे दिया हम कि इफ एस इज एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस, है ना, देन इसको बोलते हैं एस परपेंडिकुलर, क्या बोले हम लोग एस परपेंडिकुलर, एस परपेंडिकुलर बोलिए चाहे कंप्लीमेंट ऑफ एस बोलिए, इज ए सब स्पेस ऑफ भी, सब स्पेस ऑफ भी। और आपको हम बता दें कि प्रॉपर्टीज वगैरह लिखवाए थे हम शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन में इसका, है ना, तो प्रॉपर्टीज वगैरह का भी कुछ प्रूफ होगा छोटा मोटा, है ना, डिफरेंशियल का अनुसार प्रूफ है उसको भी देख लीजिएगा, है ना, ताकि एग्जाम में कभी कभी होता है कि पॉइंट में क्या करता है छोटा छोटा प्रॉपर्टी डाल देता है प्रूफ करने के लिए। तो प्रॉपर्टी जो हम लिखवाए थे शॉर्ट टाइप्स, है ना, क्वेश्चन में इसी का लीनियर अलजेब्रा का ही, है ना, पिछले क्लास में, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। यानी मिला जुला के 10 हम बताए हैं, है ना, 5 अपने से भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इजी रूप से सब एग्जाम में आपका आ जाता है, है ना। ध्यान दें कि यहाँ पर हम बताएँ कैसे, तो वेक्टर स्पेस से 3 क्वेश्चन लिए हैं, फिर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से 3 क्वेश्चन लिए, है ना, और इनर प्रोडक्ट से हम 4 क्वेश्चन दिए हैं, भाई ना आपको इस तरह से क्वेश्चन का संख्या हम आप लोगों को दिए हैं पढ़ने के लिए। और अपने से भी इनर प्रोडक्ट स्पेस बहुत सिंपल है, लेटर प्रोसेस बहुत सिंपल है, अपने से भी और जो प्रॉपर्टीज हम बताए हैं शॉर्ट टर्म में उसको जरूर कर लीजिएगा। और हम ये आशा रखते हैं कि अगर इतना पढ़ लेते हैं तो इसी पैटर्न से आता है, लेकिन आप लोग कोशिश यही करिएगा कि क्वेश्चन जो भी घुमा जाए जैसे भी घुमाए, है ना, कोई वर्ड उसका जो सेंटेंस वही तरह टर्म है, होता है क्वेश्चन इस तरह ना पूछ करके ऐसा ही पूछ सकता है कि एनी सेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, है ना, है ना, एनी सेट इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव डैट, क्या कि
कंप्लीमेंट ऑफ एच ये सब मैं घुमा के किसी तरह से वो थ्योरम उन्हें मेरे को दे सक देगा है ना। तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा आप है ना। लिखने का लैंग्वेज अलग हो सकता है लेकिन बनाने का सिस्टम सेम रहेगा। छोड़ना नहीं बल्कि उसको एग्जाम में बना के जाना है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा है ना। सब के सब बना के आ जाइएगा। कब? जब इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब।